हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अध्ययन। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग योर स्टडी फॉर नेशनल साइंस ओलंपियाड लेवल 2। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एनएसओ लेवल 2 एंड दिस क्वेश्चंस आर फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू इन आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशंस फॉर फर्दर वीडियोज। नाउ स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ क्रूजिंग शिप इज सेलिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स एन आइलैंड एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। इट साउंड्स द हॉर्न व्हेन इट इज 600 मीटर अवे फ्रॉम द आइलैंड। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द शिप टू हियर एन इको। टेक द स्पीड ऑफ साउंड एज 300 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए 4 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 8 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 12 सेकेंड एंड ऑप्शन नंबर डी इज 16 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोला गया है कि एक क्रूजिंग शिप है जो कि जो है एक स्पीड जो है 30 मीटर पर सेकेंड के जो है स्पीड से जो है ये एक आइलैंड की और ये स्ट्रेट जो है ये फॉरवर्ड जो है मूवमेंट कर रहा है। तो इसकी जब ये 600 मीटर जो है ये आइलैंड से ये अवे रहता है, दूर रहता है, तो इसको ये जो है ये साउंड सुनाई देती है। तो हमें बताना है कि किस टाइम पर जो है इस शिप को जो है इको जो है वो सुनाई देगी। तो यहाँ पर जो है साउंड की स्पीड दे रखी है, तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है टाइम क्या निकल करके आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्रूजिंग शिप दे रखा है और ये जो है यहाँ पर ये आइलैंड है। तो ये जो शिप है यहाँ से जब 600 मीटर की डिस्टेंस पर है तो ये क्या करती है, इसका जो हॉर्न है वो साउंड करता है 600 मीटर की डिस्टेंस पर। तो हमसे पूछा गया है कि कितने जो है टाइम पर जो है इसको यहाँ से जो है ये इको सुनाई देगा। तो ये जो यहाँ पर बी जो ये पोजिशन है, यहाँ पर जब ये शिप पहुँचेगी तो यहाँ पर जो है इसको ये इको साउंड यहाँ पर सुनाई देगी। तो सबसे पहले ए से बी का जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ये 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चल रही है, तो ये जो डिस्टेंस यहाँ पर हम लेंगे तो ये टोटल जो है ये जो टाइम होगा हमारा, हमने यहाँ पर टी मान लिया है। तो यहाँ सबसे पहले ए से बी की ओर जो यहाँ पर डिस्टेंस होगा तो ये कितना होगा, ये 30 टी हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पीड इंटू टाइम यहाँ पर लिया गया है। इसके बाद जो है ये यहाँ पर हमने क्या लिया है, तो ये 600 माइनस 30 टी जो है यहाँ का ये डिस्टेंस हो जाएगा बी से लेकर आइलैंड तक का। तो यहाँ पर जो है टोटल टाइम का जो हम निकालेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो 600 अपॉन 300 जो है ये टोटल हो जाएगा यहाँ पर टाइम, प्लस यहाँ पर जो इको सुनाई देगा। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें यहाँ का जो है डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो 600 माइनस 30 अपॉन 300 जो है यहाँ पर हम लेंगे, तो यहाँ से आप जो है टाइम निकालेंगे तो टाइम निकल करके आएगा 3.64 सेकेंड। तो इसी टाइम में जो है इस शिप को जो है ये इको साउंड जो है ये सुनाई देगी। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अबाउ द ग्राउंड विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड ए द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर रीचिंग द ग्राउंड एंड सी द वेलोसिटी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो यहाँ पर क्या है, एक बॉल लिया गया है जिसको कि हॉरिजॉन्टली जो है 100 मीटर जो है यहाँ से जो है इस डिस्टेंस से इसको हॉरिजॉन्टली जो है थ्रो किया गया है और इसकी जो स्पीड है यहाँ पर इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। तो हमसे यहाँ पर ये तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम निकाल लेते हैं कि इन तीनों का आंसर यहाँ पर क्या निकल करके आएगा। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टली इसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वो क्या दे रखी है, यू एक्स यहाँ पर माना गया है, तो ये कितनी है 20 मीटर पर सेकंड दे रखी है। यू वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, वर्टिकल जो वेलोसिटी होगी। हाइट कितनी है 100 मीटर दे रखी है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम टाइम निकाल लेते हैं जिससे कि ये जो बॉल है ये ग्राउंड में रीच करेगी। तो फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर यू वाई हमें लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल मोशन लेना होगा। तो एच इक्वल टू हम लगाएंगे तो यहाँ पर यू वाई की वैल्यू जीरो हम पुट करेंगे प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी की वैल्यू 9.8 लेंगे, एच की वैल्यू कितनी लेंगे हम 100 मीटर लेंगे। तो यहाँ से टाइम निकल करके आएगा 4.5 सेकंड। सेकंड दे रखा है, हमसे पूछा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल। तो यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम एक्स मान लेते हैं, तो हम यहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, यू एक्स इंटू टी, एच इक्वल टू यू टी हम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है यू एक्स हो जाएगा यहाँ पर जो है ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो यहाँ पर दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 इंटू टी की वैल्यू 4.5 सेकेंड हमने अभी निकाली है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 90 मीटर निकल करके आ जाएगा। उसके बाद सी यहाँ पर
हमें पूछा गया है यहाँ पर जो है वर्टिकल मोशन पूछा गया है यहाँ पर ग्राउंड में पहुँचने के बाद। तो यहाँ पर जो है ये जो है वी एक्स क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर हम मान लेंगे ये क्या है, ये यहाँ पर ये हॉरिजेंटल ये मोशन है, और वी वाई क्या है इसका वर्टिकल मोशन है। तो हॉरिजेंटल मोशन क्या होगा इसका, ये कॉन्स्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉल। तो यहाँ पर जो है ये 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर वी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, जो कि यहाँ पर यू एक्स लिया गया है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आप लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो v वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो u जो है यहाँ पर 0 + 9.8 × 4.5, तो यहाँ पर जो है ये 44.1 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर जो है ये इसकी वेलोसिटी वी वाई जो यानी कि वर्टिकल जो है यहाँ पर स्पीड जो है वो निकल करके आ जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि साइंस अध्ययन के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जाने वाली है 1 अप्रैल 2023 से। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो एक गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसे फिल कर दीजिएगा और हमारे साथ जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड अ गन फायर्ड एंड एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस अवे मेजर्ड द टाइम interval between seeing the flash of the gun and hearing the shot, which of the following will not affect the result? Option number A, the frequency of the gunshot. Option number B, the temperature of the environment. Option number C, the loudness of the gunshot. And option number D is both A and C. तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एक एक्सपेरिमेंट में एक साउंड की स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए क्या गया है, एक जो गन है उसको फायर किया गया है और एक ऑब्जर्वर जो है वो कुछ डिस्टेंस से क्या मेजर कर रहा है। तो ये टाइम इंटरवल जो है ये मेजर कर रहा है बिटवीन द फ्लैश ऑफ द गन एंड हियरिंग द शॉट। तो हमें बताना है कि इस जो एक्सपेरिमेंट में जो है क्या जो है इस रिजल्ट में जो है क्या जो है वो अफेक्ट जो है नहीं होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द गन शॉट, तो जो स्पीड होती है साउंड की वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है और ना ही लाउडनेस पे डिपेंड करती है। तो बोथ ए एंड सी यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों ही जो है यहाँ पर जो है रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। ऑप्शन नंबर बी, ए कंपाउंड इज होमोजेनस इन नेचर। ऑप्शन नंबर सी, ए कंपाउंड ऑलवेज कंटेन टू और मोर एलिमेंट्स। एंड ऑप्शन नंबर डी इज, अ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड इन टू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बाई सम फिजिकल प्रोसेस। तो यहाँ पर जो है हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन है जो कि करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, तो ये भी बात सही है क्योंकि जो कंपाउंड होता है वो हमेशा एक प्योर सब्सटेंस होता है। सेकेंड है, कंपाउंड इज होमोजेनस इन नेचर, तो ये भी बात सही है कि जो कंपाउंड होता है उसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट्स इसके होते हैं, जो भी सैंपल होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा सेम रहते हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी हमेशा सेम रहती है। तो ये होमोजेनस हो गया नेचर में। इसके बाद दे रखा है, कंपाउंड ऑलवेज कंटेन टू और मोर एलिमेंट्स, तो ये बात भी सही है कि जो कंपाउंड है वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है। जैसे कि वाटर का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो वाटर में दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी तरह से और भी कंपाउंड होते हैं जो कि दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। उसके बाद 4 दे रखा है, कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बाय सम फिजिकल प्रोसेस, तो यहाँ पर जो है ये फिजिकल प्रोसेस के द्वारा नहीं केमिकल प्रोसेस के द्वारा इनको सेपरेट किया जाता है। तो इस तरह से जो ये डी ऑप्शन है यहाँ पर ये इनकरेक्ट यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी, द गैस गेट्स आयनाइज्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोस थ्रू इट। ऑप्शन नंबर सी, इट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। एंड ऑप्शन नंबर डी इज, द प्लाज्मा ग्लोज विद कलर विच डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ गैस। तो यहाँ पर जो है हमें प्लाज्मा के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स, तो ये जो है प्लाज्मा जो है ये कंसिस्ट करते हैं, तो स्टेटमेंट जो है ये सही है। उसके बाद जो है ये सेकंड दे रखा है, द गैस गेट्स आयोनाइज्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोस थ्रू इट। तो सबसे पहले जो प्लाज्मा है वो क्या होता है, तो ये मैटर की ये फोर्थ स्टेट होती है, जो कि क्या है ये, तो ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस जो है ये इनकी पोजिशन होती है, तो जिनमें कि क्या होते हैं सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक जो है ये पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है जब इनमें जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी
एनर्जी फ्लो होती है, तो ये जो गैस के जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, वो आयनाइज्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से बी जो है ये भी राइट है, और सी जो है ये दे रखा है कि सुपर इनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। लास्ट दे रखा है द प्लाज्मा ग्लोस विद कलर, तो ये बात सही है कि जो है ये ग्लो करता है कलर से, लेकिन यहाँ पर दे रखा है विच डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ गैस, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर जो है ये इसका ग्लो जो है ये कलर जो होता है तो ये गैस के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर जो है टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये क्या होते हैं, इसके आयन जो है वो क्या हो जाते हैं, वो आयनाइज हो जाते हैं और जो है ये अच्छे कलर के साथ जो है ये ग्लो करते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, ये डी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज, ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी, ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिकुलर मास, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, एंड ऑप्शन नंबर डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिकुलर मास। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो गैस का जो डिफ्यूजन रेट होता है वो किस पर जो है वो डिपेंड करता है, किसके साथ इसका रिलेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ये क्या है रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पर बी दे रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिकुलर मास, ये भी गलत दे रखा है क्योंकि यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर पुट होने वाला है। तो यहाँ पर जो है एक फार्मूला है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्राहम, तो इन्होंने जो है एक लॉ दिया था जिसके की अकॉर्डिंग क्या होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, वो स्क्वायर रूट जो होता है मॉलिकुलर मास के उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन्होंने जो है सपोज कीजिए यहाँ पर जो है R1 जो है एक गैस का है यहाँ पर रेट, उसके बाद R2 जो है सेकंड गैस का जो है यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था तो वो दिया था स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1, जो कि मॉलिकुलर मास जो यहाँ पर M1 और M2 लिया गया है, तो ये स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन्होंने ये फॉर्मूला दिया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ऑप्शन नंबर ए वैक्यूल, ऑप्शन नंबर बी गोल्जी एपरेटस, ऑप्शन नंबर सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो है हमसे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल के बारे में पूछा गया है, तो ये तीनों जो दे रखे हैं वैक्यूल, गोल्जी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तीनों ही क्या होते हैं, ये सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन जो है बाउंड ऑर्गेनल्स कौन कौन होते हैं सेल वाले जो चैप्टर है उसमें, इसके अलावा जो है प्लांट सेल्स में क्या पाए जाते हैं कौन से ऑर्गेनल, और जो है एनिमल सेल्स में क्या पाए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है आप अच्छे से जो है इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर एट इज डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट इन, ऑप्शन नंबर ए टेंडन्स, ऑप्शन नंबर बी लिगामेंट्स, ऑप्शन नंबर सी स्किन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज कार्टिलेज। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होती है वो कहाँ पर पाई जाती हैं, तो इसका यहाँ पर जो राइट आंसर है, तो ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होती हैं इरेगुलर, तो ये स्किन में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है वो किस तरह से जो है स्किन में जो डर्मिस पार्ट होता है उसके अंदर ये पाई जाती हैं। तो सबसे पहले जो कनेक्टिव टिश्यू होती है वो क्या होती हैं, तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू होती हैं ये सिर्फ जो है ये एनिमल में पाई जाती है, एनिमल टिश्यू होती हैं, ये प्लांट टिश्यू नहीं होती हैं। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि कौन एनिमल टिश्यू है और प्लांट टिश्यू है, ये टॉपिक जो है आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है, ये प्राइमरी जो है ये टिश्यू होती हैं, और जैसा कि इसके नेम से पता चल रहा है तो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कनेक्ट करना। तो ये टिश्यू क्या करती हैं, ये जो बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं उनको टिश्यू से कनेक्ट करने का काम करती हैं, जो ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट करने का काम करती हैं। तो इस तरह से जो है ये इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो स्किन के डर्मिस में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन इज सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैस्ड पेयर फ्रॉम फॉलोइंग, ऑप्शन नंबर ए कॉन्ड्रोसाइट्स स्पून्ड मसल सेल्स, ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन्स नर्व सेल्स, ऑप्शन नंबर सी फाइब्रोब्लास्ट एरियोलर टिश्यू, एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑस्टियोसाइट्स बोन सेल्स। तो यहाँ पर जो है हमें इनकरेक्टली मैस्ड पेयर बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है वो क्या दिया है कॉन्ड्रोसाइट्स स्मूथ मसल सेल्स, तो यही जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है। इससे पहले जो है हम ये तीनों देख लेते हैं, तो न्यूरॉन्स क्या है ये नर्व सेल्स में पाए जाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट
फाइब्रोब्लास्ट जो है वो एरियोलर टिश्यू में पाए जाते हैं, और ऑस्टियोसाइट्स जो है, ऑस्टियो ही नेम से पता चल रहा है कि ये बोन्स में पाए जाते हैं, तो ये तीनों ही करेक्टली मैच्ड पेयर है। लेकिन कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कार्टिलेज जो टिश्यू होती है उनमें पाए जाते हैं। तो कार्टिलेज क्या होते हैं, ये जो है स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होती है जो कि क्या करती है, जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है और बोन्स को। तो कॉन्ड्रोसाइट जो है ये स्मूथ मसल सेल्स में नहीं बल्कि कार्टिलेज टिश्यू में पाए जाते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज क्लासिफाई द फॉलोइंग टर्म्स इनटू सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, आरबीसीज, डब्ल्यूसीज, नर्व सेल्स, ब्लड मसल, ब्लड वेसल्स, ब्रेन, हार्ट, हैंड। तो यहाँ पर जो हमें क्लासिफाई करना है जितने भी ये दे रखे हैं उनको किस में हमें क्लासिफाई करना है, सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स में। तो हम देख लेते हैं, तो सेल्स कौन कौन सी है, तो यहाँ पर जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, उसके बाद नर्व सेल्स है, ये क्या है, ये सेल्स के कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके बाद जो है टिश्यू में क्या क्या आ जाएंगे, तो ब्लड जो है वो मसल्स, ऑर्गन मसल्स जो है ये क्या हो जाएंगे, ये टिश्यू की कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके बाद जो ऑर्गन्स है वो क्या क्या हो जाएंगे, तो हार्ट है, हैंड है, ब्रेन है, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये ऑर्गन्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इज द प्रोसेस इन विच द एक्टिव इम्यून सिस्टम इंप्लॉयज मैनी सेल्स टू द अफेक्टेड टिश्यू इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर बी इन्वेजन, ऑप्शन नंबर सी इन्फेस्टेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें कि जो एक्टिव इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, जो अफेक्टेड टिश्यू होती हैं उनमें जो क्या करता है, इंप्लॉय करता है मैनी सेल्स को, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस क्या होती है, तो इस प्रोसेस में क्या है, जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, जो भी हार्मफुल, जो भी फॉरेन जो स्टिमुलाई होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करता है, उसके बाद जो है इनको ये रिमूव करने का काम करता है, और इस तरह से इम्यूनिटी जो है बॉडी में प्रोड्यूस होती है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इन्फ्लेमेशन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इज एंटीबायोटिक्स डोंट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस बिकॉज, ऑप्शन नंबर ए वायरसेस लीव ओनली इनसाइड होस्ट सेल्स, ऑप्शन नंबर बी वायरस डोंट हैव मेटाबॉलिक पाथवेज ऑफ देयर ऑन, ऑप्शन नंबर सी वायरस आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज द प्रोटीन कोट ऑफ वायरसेस एक्ट एज ए बैरियर टू एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्यों नहीं वर्क करती हैं, तो इसका रीज़न क्या है कि तो ये जो वायरस होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये जो एंटीबायोटिक्स है सबसे पहले ये वर्क इन पे करती हैं, तो ये बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होते हैं उन पे जो है एंटीबायोटिक्स जो है वो अपना जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो यूज़ कर पाती हैं। लेकिन जो वायरस होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है, तो इनके ऊपर जो है एक प्रोटीन की कोट पाई जाती है जो कि क्या करती है एंटीबायोटिक्स के लिए एक बैरियर का काम करती है, और इस तरह से जो है एंटीबायोटिक्स का जो इफेक्ट है वो वायरल इन्फेक्शन पर नहीं होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी यहां पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इज अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एपेटाइटिक नोजिया माइल्ड फीवर एंड डार्क कलर्ड यूरिन, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी जॉन्डिस, ऑप्शन नंबर सी कॉलरा, ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोला गया है कि एक पर्सन जो है जो कि क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है एपेटाइट से, नोजिया से, माइल्ड फीवर से और डार्क कलर का यूरिन जो है इसको हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये पर्सन जो है किस बीमारी से ये ग्रसित है, कौन से बीमारी से ये सफ़र कर रहा है, तो इस बीमारी को बोला जाता है जॉन्डिस। तो यहां पर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 इज दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ नॉन रिन्यूएबल ऑर्गेनिक रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर ए वाटर, एयर एंड मिनरल्स, ऑप्शन नंबर बी नेचुरल गैस, ऑयल एंड कोल, ऑप्शन नंबर सी वुड, वाटर एंड नेचुरल पास्चर्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज सैंड, एयर एंड क्ले। तो यहाँ पर जो है हमसे नॉन रिन्यूएबल ऑर्गेनिक रिसोर्स का ग्रुप हमसे पूछा गया है, तो नॉन रिन्यूएबल ऑर्गेनिक रिसोर्स क्या होते हैं, तो ऐसे रिसोर्स जिनको कि बनने में हजारों साल लग जाते हैं, तो ऐसे रिसोर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन रिन्यूएबल
ऑर्गेनिक रिसोर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है नेचुरल गैस, ऑयल एंड कोल, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल इन तीनों दोनों ही के बारे में आप जो है डिफरेंस पढ़ लीजिएगा और एग्जाम्पल भी जो है वो देख लीजिएगा। तो इनसे भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप जो है कवर कर लीजिएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन एक्सप्लेन्स द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स एज एनर्जी रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर ए इट रिलीज हार्मफुल गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर व्हेन दे बर्न। ऑप्शन नंबर बी इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ। ऑप्शन नंबर सी इट यूजेस ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। ऑप्शन नंबर डी इज इट इज हार्ड टू ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो फॉसिल फ्यूल जो हम एनर्जी के सोर्सेज के रूप में जो यूज करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है। तो इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये जो है हार्मफुल गैसेस को रिलीज करती है जब इनको जो है एटमॉस्फेयर में बर्न किया जाता है, तो इस तरह से जो है पॉल्यूशन जो है उसको इंक्रीज करने का काम करती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज की वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चंस जो है वो कवर किए गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन जो है वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है गूगल फॉर्म जो है उसको भी आप भर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ जो है ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने में। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।